सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। अम्बाझरी तालाब मार्ग पर ऊंचे पुल का निर्माण शुरू हो गया है। इसकी जानकारी दिए बिना अचानक अम्बाझरी टी पॉइंट की तरफ जाने वाले यातायात बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से वाहन चालकों को 3 से 4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। अचानक किए गए यातायात बंद की वजह से परिसर में दिन भर ट्रैफिक जाम लगा रहा। शाम को विवेकानंद स्मारक से लेकर श्रद्धानंद पेठ चौक तक पूरी तरह ट्रैफिक जाम रहा। आगामी 3 माह तक यह स्थिति बने रहने की संभावना है। कहा जा रहा है कि इससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले वर्ष आई बाढ़ से अम्बाझरी तालाब के बहाव के मार्ग पर स्थित पुल का नुकसान हो गया था। अब बारिश के लिए 1 माह शेष है। ऐसे में प्रशासन ने काम को शुरुआत की है। बताया गया है कि लोक निर्माण उप विभाग नागपुर ग्रामीण की तरफ से एक निजी कंपनी को यह काम सौंपा गया है। इस पुल का निर्माण 3 माह में 2 चरणों में किया जाएगा। इसके लिए गजानन मंदिर से अम्बाझरी टी पॉइंट तक के बाई दिशा का मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इससे हिंगना प्रतापनगर जयताला क्षेत्र से पश्चिम नागपुर वाड़ी अमरावती मार्ग की तरफ यातायात बाधित हो गया है। नागरिकों को इसकी जानकारी न होने की से अनेक लोगों को बड़ा चक्कर लगाना पड़ा है। नागरिक सवाल कर रहे हैं कि पुल का निर्माण बड़ा कार्य शुरू होने की जानकारी प्रशासन ने क्यों नहीं दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।